रोज़े के तबी फवायद तो अलहद काफ़ी ठीक ठाक हैं लेकिन अमूमन देखा जा ये जाता है कि इसके जितने भी क्लिनिकल फ़ायदे हैं वो हमें अचीव नहीं होते यानी हमें मिलते नहीं हैं उसकी वजह हमारी अपनी बेहतियातियाँ होती हैं अमूमन जो है रोज़े के जो क्लिनिकल यानी तिब्बी फ़ायदे होते हैं वो अपनी जगह मौजूद होते हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट हमें मिल नहीं पाते उसकी वजह हमारी अपनी बेहतियातियाँ हैं अभी एक क्लिनिकल रिसर्च कन्डक्ट की गई थी उस रिसर्च में इन लोग इन्होंने कुछ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स लिए तो उन पेशेंट्स को उन्होंने 20 शुरू के 11 दिन फास्ट करवाया कमो बेश पंद्रह घंटे की फास्टिंग करवाई रखा बुखा प्यासा हाँ बारह घंटे उन्होंने घंटे कमो बच इसी तरकीब से उन्होंने इसी पैटर्न पे फास्टिंग करवाई ये वो मरीज़ थे जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज मौजूद थे शुरू में फ़ास्टिंग करवाई उसके बाद इनको ग्यारह दिन सिर्फ फ्लूड और लो वेजिटेरियन डाइट वगैरह पर रखा उसके फिर ग्यारह दिन के बाद मजीद नेक्स्ट ग्यारह दिन तक इसी तरह की हल्की फुल्की गज़ाओं पर रखा गया तो फिर इनके जब रिजल्ट कैलकुलेशन किए गए तो इन सब के ब्लड प्रेशर के अंदर कम 40 बट फोटी ऑब्लिक 13 यानी आधे से कम आधा के अंदर तब्दीलियाँ वाकई हुई उन लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई था जो पेशेंट थे जिनको शुगर थी उनके शुगर के लेवल के अंदर भी कम हुई उस रिसर्च के कंक्लूजन ये था कि उसके एंड में वो लोग जो इस रिसर्च के अंदर उन्होंने शामिल हुए थे इसके बाद उनकी दवाइयाँ डिसकन्टिन्यू